हम आ चुके हैं अभी मणिपुर दुर्गा स्थान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ग्लोबल टूरिस्ट एक्सप्लोर। मैं हूं आपका दोस्त विदुर बिहारी। दोस्तों फिर से आ चुका हूं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। दोस्त हम अभी समस्तीपुर में हैं और समस्तीपुर में दोस्तों मणिपुर दुर्गा स्थान दोस्तों हम आया हूं। दोस्तों सामने पीछे हमारे देख सकते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों दिखाते हैं क्या कुछ खास है यहां पर। दोस्तों हम आ चुके हैं मणिपुर, सामने देख सकते हैं गेट, माँ दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी जी। चलते हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं अभी मणिपुर दुर्गा स्थान। सामने दोस्तों हमारे देख सकते हैं मंदिर। चलते हैं दोस्तों, और सामने यहाँ पे दोस्तों प्रसाद का भी दुकान है, माँ दुर्गा स्वीट्स एवं प्रसाद कॉर्नर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काउंटर डेलीस 12 मास 3600 दिन साल का दोस्तों 365 दिन यहाँ पे लगा रहता है। बाइक भी लगाने के लिए बाहर में कैंपस है। यहाँ पे भी कुछ दुकान है, और दोस्तों इधर सामने एक पेड़ बहुत बड़ा। यहाँ पे महाशिवरात्रि, विवाह महोत्सव और दुर्गा पूजा में दोस्तों यहाँ पे भीड़ तो लाखों लाखों की जनसंख्या में आती है। तो चलते हैं दोस्तों, ले चलते हैं आपको अंदर। अब चलते हैं दोस्त अंदर, देखते हैं और जानते हैं दोस्तों यहाँ के हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों लगभग दोस्तों 250 साल पहले की बात है दोस्तों, और अंदर जाने से पहले दोस्त आप यहाँ पे जूता चप्पल खोल सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों लगभग 250 साल पहले की बात है, यहाँ पे बहुत बड़ी दोस्तों एक महामारी फैली थी। सामने हवन कुंड देख रहे हैं, और महामारी इतनी फैली थी कि दोस्तों बैलगाड़ी से भरकर शमशान को लाश को दोस्तों शमशान घाट ले जाया करता था दोस्तों। ऐसे में गांव के बुजुर्ग लोग बैठकर दोस्तों, और ये दोस्तों कार्यालय है, और ऐसे में दोस्तों गांव के बुजुर्ग लोग बैठकर महामाया देवी की आराधना करने लगे। तभी वहां पे एक बूढ़ी माता आई और नगरवासियों को मिट्टी का पिंड बनाकर दोस्तों नीम पत्र भजन कीर्तन में माँ की आराधना करने की सलाह दी दोस्तों। दोस्तों आज ताला भी बंद है दोस्तों, चलते हैं दिखाते हैं फिर आपको। महामारी से परेशान लोगों ने पूजन सामग्री जुटाने में दोस्तों असमर्थ जताया था, तो उन्होंने लोगों को समझाया कि महामाया तो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है, उनकी पूजा करने में कोई सामग्री की जरूरत नहीं होती है, भक्ति और भावना की जरूरत पड़ती है। बूढ़ी माता के कहे अनुसार लोग आराधना पूजा शुरू कर दिए, मिट्टी का पिंड बनाया और पूजा शुरू कर दिए। नगर में शांति और समृद्धि का वरदान देकर बूढ़ी माता अंतर्ध्यान हो गई। तब नगरवासियों को समझ में आया यह कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि स्वयं माँ भगवती थी जो अपने भक्तों का मार्गदर्शन करने आई थी। दोस्तों सामने देख सकते हैं दोस्तों 52 फीट दोस्तों ये हनुमान जी, 51 फीट दोस्तों ये हनुमान जी का मंदिर है। कितना भव्य लग रहा है दोस्तों। समस्तीपुर में दोस्तों एक यही जगह है जहाँ पे इतना ऊंचा हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जब दुर्गा पूजा होता है दोस्तों, यहाँ पे लाखों लाखों की जनसंख्या में लोग आते हैं दोस्तों और इसको देखते हैं। यहाँ पे अभी दोस्तों कुछ प्रोग्राम हुआ था, इसके लिए अब सब बांस को खोला जा रहा है, हटाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे मंदिर का स्वरूप देख सकते हैं दोस्तों, 2 मंजिल मंदिर है, उसके ऊपर भी जाने की व्यवस्था है। दोस्तों हनुमान जी की गदा देख सकते हैं दोस्तों, कितना भयानक, और इनको दोस्तों 4 रूपों में दोस्तों हनुमान जी को यहाँ पे दर्शाया गया है। दोस्तों ऐसा आप बहुत जगह कम देखे होंगे। दोस्तों मैं सबसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप ज़रूर आइए यहां पे और माता का दर्शन कीजिए दोस्तों, क्योंकि पहले बिहार में घूमिए। हम बार बार दोस्तों हर वीडियो में आपको कहते हैं बिहार घूमिए, उसके बाद दोस्तों आप कहीं जाइए, क्योंकि बिहार में बहुत कुछ है दोस्तों, ऐसे ऐसे चीज़ है जो हमें आज से नहीं दोस्तों 200 साल 500 1000 साल पुराना दोस्तों, जो रामायण युग से पहले की दोस्तों यहाँ पर जुड़ा हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ की खूबसूरती देख सकते हैं। सामने आप हमारे नल देख सकते हैं, अगर आप आते हैं जूता पैर तो आपका अगर हाथ गंदा है तो दोस्तों यहाँ पे नल पे आके आप गोर धो सकते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों देख सकते हैं आप, तो मंदिर का दरवाज़ा खुलेगा नहीं दोस्तों, इसलिए हम इस आपको और कभी दिखाएँगे दोस्तों यहाँ पर। और ले चलते हैं दोस्त अब आपको बाहर। ये देखिए दोस्तों पूरा लोग इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों कि मंदिर का पट कब खुलेगा, लोग दर्शन करेंगे दोस्तों। यहाँ पे दूर दूर से लोग डेली आते रहते हैं दोस्तों। चलते हैं फिर दोस्तों एक बार और आपको ले चलते हैं
फिर हनुमान जी के दर्शन कराने के लिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे माता का पट खुलने में दोस्तों अभी समय लगेगा, हमें और दोस्तों वीडियो एक्सप्लोर करना है, फिर किसी दिन आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये फिर देखिए दोस्तों हनुमान जी को। तो दोस्तों फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय हिंद, जय भारत।